Thank you.
आसनम आसने अंतु पात्रो पात्रो परिहि पवित्रम अर्घरक्षिगा ओवर पात्रो परिहि पवित्रम पवित्रस्तु वैष्णव्यः शण्डोदेवी दुर्वा पवित्रस्तु वैष्णव्यः शण्डोदेवी यमांजल भजा ओम शण्डोदेवी नमस्तेह उल्टाजतु शंडो देवी नमस्ते आपो भवन पीते सिंहोर भी सर्वंतुना पिछा क्षत्रा ओ माजा बाजा लगन्धा पत्र पुष्पा क्षता दी तुष्णे क्षत्र हरि ओम विश्वे नम महात्रिका गंगा जमुना जी आवाहन कर गंगे चौ जमले सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा हाशिम कावेरी जलेश्वर शरण गुरु गंगा जा सत सर्वे तीर्थानि जगदान्ता पुण्डरी काक्षाय नमो गया विश्वे नम गजया विश्वे नम विश्वे नम विश्वे नम हरि ओम पवित्र पवित्र वास भगवान सूर्य ये भूता आसन सुन आसन में हल दिया पानी आसन जल्दी आते हैं 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 जल्द
दीपम शंभु संपूज्य नैवेद्यम शंभु संपूज्य धूपम आग्रयाम गंधे ख्यातिर्यातिन ओम गंधे संपूज्य दीपम शंभु संपूज्य नैवेद्यम शंभु संपूज्य धूपम आग्रयाम नैवेद्यम निवेदयामि दीपम दर्शयामि धूप दीप नैवेद तांबूल फल फल ओम इदम फलम मया देव ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः काशी ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः विघ्नहर्ताय नमः विघ्नहर्ताय नमः ओम विद्याये विद्यताय श्री
निधिपृष्टां करिष्णीमा ईश्वरीमा सर्वभूतानां दायहौ कवीश्रियमः नमो रमणदेवाय कौ ब्राह्मणहिताय जगद्गिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ गन्धद्वारान्द्रधानिधिपृष्टां करिष्णीमा ईश्वरीमा सर्वभूतानां तामिहौ कामेश्वरम् नमो रमणदेवाय कौ ब्राह्मणहिताय जगद्गिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः पुनः पुण्यसञ्च आचार्यो भविष्यता ॐ विष्णवे नमः त्रिब्रह्मणां भूजिते ॐ विष्णवे नमः आचार्यसु आचार्यवर्या स्वर्गे शकादीनां बृहद्वी तथा ममेकेऽस्मिन्नाचार्यो भवसुत ॐ आचार्यो भवत चूडाकरणविधौ पञ्चभूत संस्कारं कुर्यात् ॐ ॐ विष्णवे नमः धनं समर्प्यामि नमः आचार्यसु सावनं स्थापनं कुर्यादं पुरोदधे अव्यवाहामुपबोधे मामाशादयाज्य अनुष्ठाबालकम् आनीयः ॐ विष्णवे नमः ॐ अर्धादिघी सम्पूज्य एभिर्कक्षमाणौ प्रार्थना क्रिया आचार्यथा यथा चतुर्मुखो ब्रह्म सर्वेभ्यः द्रौ तथा तु मे केष्णाचार्यो हरिरोत्तमा तु मे ब्रह्म भव अहं भवानी आचार्यमे ब्रह्म भवः यथा ज्ञानं कर्माणि जैसा मुझे ज्ञान होगा मैं करूंगा वाला हिताक्षरा दिशा दिशा भेदेशु दिशा बादल है मतलब कोई खराब ऐसी चीजें न हो कर्णिका ब्रह्मासनम आत्मासनम यजमान यजमान आसन पटु के आसन में भी डाले अग्नि के उत्तर तह ॐ तनो अग्ने मारुणश्च विद्वान् देवसेनो
अवयासिष्टया स्वाहाम्रेमानोवेशमृतमृतहरणीन कवीतारथेन देभूयादि भुवनानि वसन स्वाहा ओमिमं देवासनकौशपद्यं महते चेताय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानतेजाय श्रीन्द्राय मम पयो मृतमधू स्वाहा ओमग्नदूतं भूगभे हव्यवाहां पूर्वो देवामाधादयादि ह स्वाहा ओमग्नस्वामे प्रतीयाष्टमिष्टा पूते धर्मंसजेथामयं च ्रह्मणाम्रुप्रम्भ्रेन्द्रायमयोमधुस्वाहा ॐ केतो कृण्केतवे विष्णो मज्यापेशेषमिद्भिर्जायतात् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ओमयासामभि ॐ भुवः
स्वाहाय नमः ॐ स्वस्वाहाय नमः सूर्याय नमः आकाशेनलसारतमानो निवेशेनः अमृतञ्चामृतहिरण्येन सवितारथेरे भूयादि भुवनानि प्रसन्न स्वाहा शतं वर्णेक्या पाठादिता महान्तीभिर्नोदशभिधे विष्णोमत सृता स्वाहाक्षेन रथाभस्मानो निवेशेन अमृतञ्चामृतहिरण्येन सवितारथेरे भूयादि भुवनानि प्रसन्न स्वाहा देवग्निः ओमिमं देवाश्वनद्वं सुबद्धं महते चेताय महते देशाय महते हंसे स्वाहा मन्नात् परिशुतो रसं ब्रह्मा दिविशक्तं सोम प्रजापति शेन सत्यमिन्द्रविपालको शूक्रमन्धः इन्द्रशे इन्द्रायिमं वयो मधु स्वाहा मन्नात् परिशुतो रसं ब्रह्मणोपिभिषत्यं सोम प्रजापतिन सत्यमिन्द्रविपालको शूक्रमन्धः इन्द्रायो इमं वयो मधु स्वाहा देवी यविष्टय आपो भवन्ति ते संयोरभिः शर्वन्तु नः स्वाहा हात न हल्का आराम
बंद है बंद है किनारा नहीं लगाना जानते रहे बाबा निकाल निकाल एक बार लाइन मान लो उसको आइडिया तो आएगा जाओ बाबा छोड़ के काम पड़ने आराम से चल चल ठीक है अच्छा नहीं लग रहा लगाओगे ना केवड़ा होना नहीं बने घूमना पड़ेगा एक ही जगह से नहीं होगा तो वो इतनी लगा लगाओ एक ही जगह से होगा नहीं होगा इसके लिए घूमना पड़ता है तो कौन में रख कैसे पकड़ते चश्मा कैसे रखते हल्दी लगा है चलो ठीक है हल्दी लगा दिया ना पानी में डुबाते रहा ब्लीड करना Bye.
네. बड़ी हो गई।
काट दी है निकाल दे अरे दाढ़ी बना दो ना दाढ़ी दे बना रहा है ऐसे भी कर देना बाकी इच्छा है तो मान जाओ इच्छा भी छोटी मान लो मम्मी Thank you.
श्री गोदावरी आल खंडी भाल खंडी आल धरती महाराज राजस्थान देवा नाम निकल के हेम गुरु हेम प्रभे हे भगवान नाम निकल के विष्णु नाम के तार गुरु के गुरु को दातारी सर्व हे जब के नाम नाम से श्री सुनान करने माता नाम से भी भाग गुण नाम से कर दे के जी नाम दुआ से हम उत्तर सताए हम जन्म नाम से धो हम तो गुरु को नाम हम मकर राशि अहम करना गुरु अभिभावी तो छोड़ दिया अवन ओमे तंते अग्निने धनिष्ठा धनिष्ठा चवन ए तंते पिछाचस अग्निने चवतला अपने हसे ओमे तंते देवर सरे कुले जिता हो जस्तवे ब्रह्मणे तेना यज्ञ मतंते न मानव हमनु जो जिता मानसिक श्री के तुम शन भाग से देवा जम जिता मोह कृष्णा रूर्वस महन नैदिक में यह गच्छ यतिष्ट सुविष्टा मृदु भगव गंधम की का करना अग्नि में गंधम समयतामि अक्षतां समयामि महाशक्ते सर्वकाम प्रसाद को कर्मांत्रे संप्राप्त अग्नि को ओम ओम स्वाहा Thank you.
देखने की शक्ति हो, कानों में श्रवण शक्ति हो, मुंह में बोलने की शक्ति हो,
से हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्राण भगवान हो, भुजाओ में बल हो, जंघाओं में बल हो, तस्ते की शक्ति हो, भुजाओ में ये नहीं मारा मारी के केवल नहीं चाहिए, धर्म के लिए चाहिए, अच्छी कार्य के लिए चाहिए, नहीं अच्छे शब्द के लिए मेरे मोहम्मद अच्छा शब्द हो, वाणी स्वच्छ हो, पानों से श्रवण अच्छा हो, ऐसे प्रार्थना अभिषेक करते हैं। ओम तन्मयाय से संकल्प दिया, हरे ओम शाकी ध्याय नम आपको अभिवादन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, यज्ञ करने के लिए तुम विवादित हो, छोड़ दीजिए उसको अभिवादित हो, तब गुरु को भी प्रणाम करो, नमस्कार करो, हो गुरु तुम अभिवादित हो, आपको अभिवादन करता हूँ, हो गुरु आयुष्मान भरो आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान भरो हाई बोले तो क्या मिलता है, हाई का जवाब हाई में मिलता है, आयुष्मान बोले तो आशीर्वाद मिलता है, नमस्कार कहे तो हमको आशीर्वाद देगा, जी रहे कॉल बच रहे कॉल अच्छा होगा बोलेगा, आगे बदले कुछ नहीं मिलता, आयुष्मान दस की नमस्कार करते हैं, दस बार हमको आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का मिलता है, सज्जन का मिलता है, गुरु का मिलता है, बड़े आदमी का मिलता है, प्लस हमारे खानदान को भी उसका असर पड़ता है, आज के जमाने में तो कोई भी नमस्कार करना की करता है तो सोचना पड़ता है यार किस घर का लड़का होगा, इसके माँ बाप अच्छे होंगे तब तो ये नमस्कार या पे लागी कर रहा है क्यों, नहीं तो उडंड वो होते तो हाय हाय वाले ऐसा नहीं होता, उनके माँ बाप का सम्मान आता है दिल में कि अरे पंडित जी बता रहे हैं क्या करना होगा, क्यों नहीं नहीं होता है, अच्छे संस्कार बच्चे में होते हैं तो अच्छे घर का होता है, तो अच्छे सरकार से संस्कार सीखना है, अच्छी तरह रहना है, उदंतवाजी इत्यादि इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जो हमारे रीति रिवाज से जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है अच्छा वो हमको करना होगा, आयुष्मान भव स्वामी आशीर्वाद देते हैं, नमस्कार बोले आयुष्मान रहना, हाँ दीर्घायु हो, बलवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, अच्छा शाम बेदा जनाम आयुष्मान भव, और बड़ों को मिले तो प्रणाम करना है, नमस्कार करने से अपने से उम्र के बड़े हुए जो पहचान वाले प्रणाम करें, और ना बिना पहचान वाले फिर नमस्कार कर दे तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, किंतु कभी भी धूर्त हुआ, पागल हुआ, शट हुआ, उसको नमस्कार नहीं करते हैं, पागल हुआ, शट हुआ, धूर्त हुआ, कुछ भी बोल देगा उसको तो मतलब नहीं, उसको मतलब उसको रेस्पेक्ट नहीं देनी है, क्योंकि वह धूर्त है, पगला है, क्यों उदंडबाज है, मुट्ठी के बल वाला है, शोकत नहीं करनी है, क्योंकि उसका धोखा हमको उसकी सड़ा उसका शोकत नहीं करनी है, धूर्त पागल हो गया प्रणाम न करें उसको प्रणाम नहीं करनी है, किंतु कभी भी धूर्त को, पागल को, शट को, नास्तिक को, जो धर्म को नहीं मानता है उसे नमस्कार क्या कहोगे, उसके राम राम क्या कहोगे, मानता ही नहीं राम को, तो फिर तो उससे कुछ नहीं कहना है, अच्छे आदमी को हमेशा नमस्कार करनी है, लगी करनी है, सब चीज़ जो भी हमारा वो है नास्तिक, और कोई दंत धावन कर रहा है उनके हिसाब से आया दंत में है दंत धावन कर रहा है तो उसको भी नमस्कार नहीं करते, जब वो उससे फ्री हो जाए उसके बाद नमस्कार, तब तक वो मानते हैं नहाते हुए, और पाखंडी को जो धर्म को नहीं मानता है, पाखंडी आदमी है उसको क्या नमस्कार करनी है, पाखंडी को तो कुछ मानता ही नहीं है, धूर्त आदमी है, छठ हुआ, पातकी हुआ, पुरुषता माताएं बहनें अशुद्ध रहती हैं उसमें भी उनको नमस्कार नहीं करते हैं, अशुद्धता जब बैठा है कोई भक्तों बैठा है पाठ में बैठा भक्त कर रहा है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो जब मैं पाठ में बैठे आदमी को प्रणाम न करें, शिक्षा बोली भिक्षा, अच्छे कार्य हमेशा करने हैं, क्यों ये शिक्षा मिलती थी केवल इसके कार्य पर हमारे गोविंद अच्छे काम करो, अच्छी तरह करो, काम करो, शुद्ध रहो, मनुष्य जीवन बहुत अमूल है, ऐसा जीवन चौराशी लाख लोगों को भोगने के बाद एक बार हम मनुष्य भोग उसके बाद भी हम गंद बात करते हैं, गंदे कार्य करते हैं तो उसका हमको नहीं कष्ट होता है, नहीं होता बहुत दुख होता है, मनुष्य मनुष्य करके रहने का, क्यों अच्छी अच्छा बोलना है, रिटर्न आना एक बजे रिटर्न आना, अपने से पूर्वज से 2 बजे तक टाइम है, क्यों 2 बजे तक टाइम है, अच्छा 2:30 बजे का, भिक्षा के लिए तैयार हो जाओ, किसको भिक्षा क्या करनी है, भिक्षा पास